पोलीडॉन अतीक अहमद की जितनी उम्र है उसके दोगुने मुकदमे इस माफिया पर दर्ज है। कारोबारी मोहित जायसवाल को देवरिया से पीटने के मामले में सीबीआई ने अतीक के बेटे उमर समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिसके नाम से कांपती है रूह, जिससे खौफ खाते हैं लोग, आतंक का दूसरा नाम अतीक अहमद। जवानी की दहलीज पर बस कदम ही रखा था कि 17 साल की उम्र में ही साल 1979 में अतीक अहमद पर कत्ल का पहला इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म की किताब के पन्ने भरते ही चले गए। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। अतीक अहमद की पहचान उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबली डॉन के तौर पर होती रही है। अतीक ने सियासत के गलियारों में भी दम दिखाया, सांसद भी बने, लेकिन राजनीति अतीक के ऊपर लगे बाहुबली के टैग को हटा नहीं पाई, बल्कि अतीक का आतंक बढ़ता ही गया। अतीक की उम्र के दोगुने मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज हैं, वहीं अब सीबीआई ने अतीक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अतीक अहमद, उसके बेटे उमर समेत 17 अन्य लोगों पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में पीटने के मामले में सीबीआई ने यह एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस अतीक समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर चुकी है। फिलहाल अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरवेश के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आसपास के